गुजरात अरावली की आदिवासी बहनों ने जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर देसी जैविक हल्दी और देसी अदरक की खेती कर आर्थिक रूप से सक्षम होकर मिसाल कायम की। पहले वो खेत में हल्दी और अदरक की खेती कर थोक बाजार में बेचकर पैसा कमाती थी, लेकिन ग्राम विकास एजेंसी के मार्गदर्शन में सखी मंडल बनाकर NRLM योजना के तहत स्थानीय ब्रांड सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड बन गया है। इस बारे में बात करते हुए लुसदिया गांव की सखी मंडल की अध्यक्ष ताराबेन सुवरा कहती हैं कि पहले हम बाजार में खुलेआम हल्दी बेचते थे और पैसे से घर का खर्च चलाते थे, लेकिन जब हमने सखी मंडल से जुड़कर हरी हल्दी और सूखी हल्दी बेची, बाजार में हल्दी के दाम भी ऊंचे होने लगे और इस इनकम से हमारे सेविंग अकाउंट में भी इजाफा हुआ। सखी मंडल की बहनों को लाभ के साथ आय का नया स्रोत मिलने से बहनों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और महिलाएं आत्मनिर्भर बन गई। अपने आसपास की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे संवाददाता भरत ठाकुर के साथ देखते रहे वरदान इंडिया न्यूज। साथ में चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्ते, मारो नाम सूर्य ताराबेन जगदीश भाई, काम सूर्या तालुको बिलोरा जिल्लो अरवली। हूँ प्रगति मिशन मंगलम जूथ में मारी कुल 12 बहनों जोड़ेली छे। ते पोताना खेतरनी अंदर ओर्गेनिक खेती हळदरनी खेती करे छे अने तेनो जाते ज पाउडर बनावी ग्रेडिंग करीने चक्कीनी अंदर पीसीने पाउडर बनावीने 200 ગ્રામના પેકેટ, 500 ગ્રામના અને કિલોના પેકેટ કરી અને અમે વેચાણ કરીએ છીએ અને તે ભેળસેળ વગરની વસ્તુ છે અને કિલોનો હળદરનો કિલોનો ભાવ 300 રૂપિયા છે, 500નો 150 રૂપિયા ભાવ એ લખી અમે વેચાણ કરીએ છીએ અને અમારું પ્રગતિ મંડળની બહેનો જૂથમાં જોડાયા પછી હળદરની ખેતી ઓર્ગેનાઇઝ કરીને આગળ વધી છે અને સારું उत्पादन करी रही है। राष्ट्रीय संगठन नेशनल मीडिया प्रेस क्लब परिवार में पत्रकारों, अधिवक्ताओं व समाज सेवियों का स्वागत है। समाज प्रगति व अपने अधिकारों की रक्षा हेतु संगठन में जुड़ने हेतु आज ही संपर्क करें।